नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। लॉकडाउन में लोगों के नौकरी रोजगार छूटे और घरों की हालत खराब हो गई, और अनलॉक में बिजली निगम अब टारगेट पूरे करने के लिए मनमाने और ताबड़तोड़ बिल भेजकर लूट मचा रहा है। शहर के सेंट्रल एरिया में कई लोगों को 18 से 34,000 रुपए तक के भी बिल भेजे गए हैं। ऐसे करीब 200 उपभोक्ता हैं जो निगम दफ्तर के पटेल सर्कल दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। इनका कहना है कि घर में दो कमरे और आधा दर्जन इलेक्ट्रिक पॉइंट भी नहीं है, जिसमें कूलर भी बामुश्किल इस्तेमाल होता है, फिर भी इतनी रकम के बिल मिले हैं। 10-10 हजार महीने की आमदनी में गुजारा करने वाले इन परिवारों में ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं। बता दें कि लॉकडाउन के कारण मार्च के बाद रीडिंग नहीं ली गई है। जुलाई में रीडिंग के बाद सीधे 4 महीने का बिल थमा दिया गया है। शिकायतों पर निगम के अधिकारी चार्जेस बढ़ने का हवाला देने के साथ ही बिल पर छपे शुल्क को पुराना बता रहे हैं। तर्क यह है कि लॉकडाउन में नई स्टेशनरी तैयार नहीं होने से बड़ी रेट प्रिंट नहीं कर पाए, कहीं बिल अगले महीने एडजस्ट करने का भरोसा दिलाया जा रहा है, जबकि कई परिवार 3 गुना तक बिल भरने को मजबूर हैं क्योंकि कनेक्शन कटने का डर है। इधर भास्कर पड़ताल में यह भी सामने आया है कि बरसों से टारगेट पूरे करने में नाकाम रहे निगम ने इस साल जुलाई में 170 करोड़ का लक्ष्य रखा था और इसके मुकाबले 176 करोड़ यानी 103.78% ज्यादा हासिल भी कर लिया है। इससे पहले अप्रैल में 51, मई में 91.24, जून में 105.12% लक्ष्य पूरे किए गए थे। गिरीश जोशी, अधीक्षण अभियंता बिजली निगम एसी का इस पर कहना है कि पहले का बकाया जोड़कर भेजा गया है, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। रीडिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 लाख के बिल की बात है तो उसे देखेंगे, बाकी बिलों की बात है तो रीडिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बकाया राशि को जोड़कर भेजा है तो लोग बिल बड़े होने से परेशान है, उन्हें समझा दिया गया है, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो देखने को तैयार है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।